कि आपको पता है आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रही है सरकार इस टाइम, तो जानते हैं आज उसी के बारे में थोड़ा, जो व्हाट्सएप का जो फंडामेंटल है और जो गवर्नमेंट ने इस पे फंडामेंटल लगाया है वो किस तरीके का है। तो आज ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपको अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि व्हाट्सएप की जो एल्गोरिथम है एक्चुअली वो काम करती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे, यानी कि चाहे तो अगर व्हाट्सएप चाहे तो ना तो सरकार पढ़ सकती है और ना व्हाट्सएप या व्हाट्सएप के एम्प्लॉय कोई भी आपका मैसेज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस पे होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड रही बात आजकल की जो हम लोगों के पास सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, तो व्हाट्सएप चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकता है, आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटा भी सकता है जो इस टाइम की सिचुएशन है। लेकिन एंड बेसिकली जो अभी हम लोगों के पास मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में, तीन टिक का मतलब है कि जेल। जबकि व्हाट्सएप यहाँ पे चिल्ला के दावा कर रहा है कि जो व्हाट्सएप की एल्गोरिथम है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम कर रही है। एंड दोस्तों जबकि हम लोगों को ये साफ साफ पता होता है कि अगर एक टिक हुआ तो इसका मतलब मैसेज सेंड हो गया है, एंड जो दूसरा टिक होता है तो इसका मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया। अगर वहाँ पे ब्लू आइकन या ब्लू टिक आ जाता है तो इसका मतलब कि मैसेज वो रीड कर लिया गया है। एंड दोस्तों अभी क्या हो रहा है फिलहाल में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर तीन ब्लू मैसेज आ जाते हैं तो इसका मतलब कि उस मैसेज का एक नोट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। एंड दोस्तों उसके बाद दो ब्लू और एक रेड आ जाता है तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। एंड दोस्तों एक ब्लू दो रेड तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट या कोर्ट आपके मैसेज को स्क्रीनिंग कर रही है, आपके मैसेज को देख रही है कि आप किसको भेज रहे हो, क्या हो रहा है। दोस्तों जो लास्ट में आता है फाइनल, तीन टेक अगर रेड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट टेक अ एक्शन अगेंस्ट यू, यानी कि गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले रही। कुछ इस तरीके के मैसेज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन मैं साफ साफ बता दूं यहां PIBB टेक फैक्ट में सीधे सीधे बताया गया है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो फेक हैं, किसका कोई भी कुछ भी मतलब नहीं बनता है। व्हाट्सएप खुद चिल्ला के यहां बोला कि आपके सारे मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे हैं, गवर्नमेंट तो क्या हम खुद नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसी फालतू की फेक न्यूज़ से बिल्कुल भी दूर रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट मैसेज पढ़ रही है आपके अंगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, तो इस तरीके का बिल्कुल नहीं, ये फेक है और फालतू के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। बट यहाँ पे व्हाट्सएप ने एक अपडेट जरूर निकाला कि आप जो मैसेज भेजते हो वो केवल एक बार में एक लोग को ही भेज सकते हो, क्योंकि पहले तो अनलिमिटेड था कितने भी लोगों को भेजो, इसके बाद पांच का हुआ और अभी यहाँ पे उन्होंने कर दिया है सिर्फ एक लोग को आप मैसेज भेज सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि वो दो चार दस लोगों तक ज़्यादा जो फेक न्यूज़ हैं वो वायरल ना हो। सिर्फ इस वजह से व्हाट्सएप ने वो अपडेट दिया है। और बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो PIBB में आप देख लो, व्हाट्सएप खुद बोल रहा है कि वो सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें फेक हैं जो ये वायरल हो रहा है, रेड टेक और ब्लू टेक और वन रेड टू ब्लू इस तरीके का, तो सारी चीज़ें फेक हैं, फेक न्यूज़ में ना आए। और ज़्यादातर हो सके तो इन फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड भी मत करो और उनसे बोलो कि फेक न्यूज़ प्लीज़ मेरे पास मत भेजो, क्योंकि इस टाइम की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, सिर्फ अवेयर करना था कि ये जो इस तरीके के मैसेज वायरल हो रहे हैं वो टोटली फेक हैं, उनके चक्कर में ना पड़ें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।